कहते हैं सचवारा, समझ आई आपको बात? अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहते हैं जी सचवाला जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, हिजरी का जो है हिस्ट्री में क्या मतलब, कैसा क्या है हिस्ट्री में, इस्लाम की हिस्ट्री में क्या है, क्या है? 1445-44 हिजरी चल रही है अभी, आप बोलते हिस्ट्री नहीं है, तो ये 1445 हिजरी कैसी चालू हुई, मतलब कैसी चालू हुई है? हिस्ट्री है बोलते नहीं ना, मतलब कुरान की हिस्ट्री नहीं है, कुरान 8वीं सदी में आया, तो फिर हिजरी कैसी चालू हो गई 1400 साल पहले? बिल्कुल सही बात है, मैं तो सोचा ही नहीं यार, वाकई आपने जो है मुझे लाजवाब कर दिया, मैं तो सोचा ही नहीं था, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा आपके सवाल के सामने, मैं तो धड़ाम के साथ गिर गया यार, मैं तो हार गया। नहीं सही बात है, तुम्हारे यार इतना कॉन्फिडेंट क्यों हो, तुमको ऐसा लगता है कि तुम ही हुशियार है दुनिया में, बाकी सब बेवकूफ लोग है क्या दुनिया के अंदर में, तुम्हारे को इल्म आ गया क्या सब? क्या बात है, क्या बात है नीरा यार, मुसलमानों की बदनामी कर रहे वहां बैठ बैठ के, क्या क्या गलत कर रहे तुम, जिंदा इससे बड़ी क्या बात है? मुसलमान तो बड़े अच्छे हैं आपके जैसे यार, मुसलमान सब आपके जैसे अच्छे होते हैं। अरे आप जिंदा, इससे बड़ी सबूत क्या है कि मुसलमान कितने अच्छे हैं? आप बोलते हैं कुछ का कुछ बताते मुसलमानों के बारे में, अगर ऐसे रहते तो आप लोग जिंदा रहते क्या? अरे अभी तक मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं बोलते, मुसलमान तो बड़े अच्छे हैं यार। हिजरी का क्या रोल है बताओ ना, हिजरी कहाँ से आई, तो फिर हिस्ट्री के अंदर में इस्लाम की हिस्ट्री में हिजरी कहाँ से आई? क्या बात है यार, क्या बात है यार, लाजवाब हुआ यार भाई। आप क्या सुने अभी तक, कि आपको गुस्सा किस बात का है, किस बात पे नाराज है आप? नाराज यार जब देखो, जब इस्लाम ही चाहिए तुम्हारे पास में, दूसरा भी टॉपिक लो, दूसरे भी धर्म हो उसमें भी बहुत बातें, उसको भी निकाल। हाँ शांत रहो थोड़ी देर के लिए अब्दुल भाई, को नाराज सिर्फ वही चीज से है कि यार ठीक है जो भी बातें हैं वो अंदर है ना, उनको बाहर क्यों ला रहे हो, समझ वो भी यार। मुसलमान बड़े अच्छे हैं आपकी तरह, बिल्कुल बहुत अच्छे होते हैं। नहीं नहीं अच्छे तो अच्छे हैं, बुरे हैं दिखा नहीं है सब, मेरी बात का ये जवाब है, हिजरी का वजूद कहाँ से आया, फिर हिस्ट्री नहीं मिलती यार, लाजवाब हो गया यार, मैं जो है लाजवाब हो गया, मैं तो सोच ही नहीं था हिजरी कहाँ से आई, तो हिजरी की हिस्ट्री तो बता दो मेरे को, 1445 वो हिजरी जो है वो एक वो जो है फूकनी से वो जो है आग जला रही थी बुढ़िया, तो बस यही बात है, हिजरी निकल के आई। अरे मेरे को बताओ लोग 1400 हिजरी का सवाल ऐसा लेके आ गए जैसे बहुत दूर से कौड़ी लेकर आ गए। अरे वो कैलेंडर है, वो आप काउंटिंग कर रहे हैं वहां से डेज की, उसमें अल्लाह का क्या लेना देना हिजरी से? अरे हिजरी बोलो तो मुसलमान इस्लाम के मुताबिक है ना, वो इस्लामी कैलेंडर है ना, आप तो बोलते 8वीं सदी के बाद में कुरान आया, तो फिर हिजरी का क्या वजूद आता है इसके अंदर में? लाजवाब हो गया यार, मैं लाजवाब हो गया। और भाई और क्या क्या अच्छी तरह लाजवाब कर दो यार, मैं तो जवाब दे दो पहले इसका ही तो जवाब दे दो। लाजवाब है, मैं लाजवाब हो गया बोला ना, मैं लाजवाब हो गया, कोई जवाब नहीं है, जवाब ही नहीं है ना, जवाब रहता तो देती नहीं थी ये जवाब आप। और दो चार ऐसी करके मेरा मुंह बंद कर दो यार, तुम्हारा मुंह बंद कौन कर सकता हो, ये मुसलमानों की इंसानियत है कि तुम जिंदा है सबके सब लोग, तमाशा बना के भाई मुसलमान इंसान नहीं भाई, कौड़ी का फायदा नहीं यार तुम्हारे, इतना लेक्चर तुम 2 साल से लेक्चर दे रहे, मैं भी कंटिन्यू सुन रहा, एक कौड़ी का फायदा नहीं है तुमको, ऐसा लग रहा है वहां से पैसे कमा रहे, लोगों को चूतिया बना रहे और गैर लोगों को कुछ कर रहे, बजरंगी लोगों को वहां से उल्टे सीधे कमेंट करते हो इस्लाम के मुताबिक, क्या इस्लाम में गलत, ऐसा रहता तो जिंदा रहते कि थे क्या आप लोग? क्या बात, और क्या तुमको आधार कार्ड होना क्या, और मेरी लाइव फोटो होना के लो, देखो मेरे को लाइव, हाँ 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 बताओ बता दो, बता दो भाई, बता दो भाई, आधार कार्ड बताओ म्यूट क्यों कर लिए भाई, आधार कार्ड बताओ ना, क्या नूरानी चेहरा है भाई, आधार म्यूट कर लिया आपने, आपने कैमरा ओपन, अरे ये फोटो देखो मेरी और अपना भी चेहरा देख चुके हैं यार, अपना चेहरा देखे हुए यार, अपने अपने बाप की औलाद है, पड़ोसी की औलाद नहीं है तो अपना भी चेहरा दिखाओ, अगर इतने सच्चे हैं तुम लोग तो अच्छा तमाशा बना के रखे साला, एक कौड़ी का फायदा नहीं, लाखों करोड़ों में। सुनो जरा, आपके नबी किसकी औलाद है आपको पता है? इतनी बात मत करो,
मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे सवाल सवाल का जवाब देने के लिए आप बैठे हैं ना वहाँ पर। वो किसके थे आपको पता है? पता है किसने बनाया? आपने बनाया ना? हेलो, चैनल आपने बनाया, सवाल का जवाब देना। आप वहाँ बुला के मतलब बेइज्जती कराते यार, ये मतलब कहाँ कौन मार रहे किसको ये करने पर? जी है? क्या बात है यार, क्या बात है, मेरे नबी की शान है। और कौन है भाई? अभी मंतकी अंजाम साहब भी आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो अब्दुल हामिद जी कुछ बोल रहे थे। अब्दुल हामिद जी, आवाज आ रही है आपकी, अब बोलिए। अल्तमश मियां, आधार कार्ड ने बताया खोल लिए, आधार कार्ड ने बताया वो आधार कार्ड। हाँ वो अल्तमश मियां जी, वो आधार कार्ड भी दिखा दीजिए ना सर, तो पहुंचने तक आसानी रहेगी ना। आप घर पे आके जवाब दे देंगे हर चीज का। अरे म्यूट कर लिए भाई अल्तमश, आपने म्यूट कर लिया। अरे मेरा केला केला देख लो, सामान देख लो खोल के, आधार कार्ड देख लो, चुमना देख लो, गांड देख लो, तुम क्या कर रहे, झक मरा रहे क्या वहाँ पर? अरे चुप रहे, तू तो अपने मोहम्मद की तो ना हो गया यार, शांत रहे। अरे चलिए ठीक है, अभी जो है हमारे कोई और यहाँ पर मोमिन भाई आए हैं, मंतकी अंजाम साहब इनको ले लेंगे, एंग्री लूजर साहब भी लाए हैं। एंग्री लूजर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब जी। भाई अभी जैसे भाई वो उन्होंने बताया सचोला साहब ने कि कुरान लिखा है अंबू और शंबू और टंबू ने, इन ने मिलकर जी। अभी कोई साहब पूछ रहे थे ना कुरान किसने लिखा है या लेकिन बास लोग जो है ना ये आते हैं ना ये अजीब अजीब बातें करते हैं। मेरा ख्याल है कोई अगर पॉइंट हो तो वो उन पर डिस्कस करना ठीक है, वरना ये तो यू नो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम सम टाइम रियली। अब क्या करें एंग्री लूजर साहब, अब देखें बहरहाल हमारे मुसलमान भाइयों की मेजॉरिटी ऐसे ही है ना, क्या करें। अच्छा एक ये चक्कर ये जो है ना चला साहब, ये तो बात है कि जो बंदा इससे इनसे पहले आया था ना उसने कहा कि भाई मरने के बाद क्या होगा, तो वो जो चीज है वो हमारी डेली लाइफ में है कि लोग जो है ना अगर आप वैसे कुछ सवाल जवाब करें आप लोगों से तो फिर वो लोग कहते हैं कि भाई ऐसी बात ही नहीं करो वरना ये तो नमाज जनाजा भी तुम्हारी नहीं पढ़ाएंगे लोग। तो ये जो फियर है ना और ये जो कल्चर का हिस्सा बन गया है ये, तो वो जो है ना वी हैव टू एड्रेस दैट। जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही। मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि इस डर को लोगों के जहनों उनके आसाब से निकाला जाए। हाँ, और ये मुस्लिम भी और नॉन-मुस्लिम दोनों के लिए है। जी हाँ, सब के लिए, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम यही आती है कि वो सिर्फ मौलवी नहीं है, मौलवी भी है, पादरी भी है, पंडित भी है, सारे जितने भी है ना ये पुरोहित जो होता है, मौलवी पंडित पादरी जो है पुरोहित ये सब के सब ये जो है इंसानों की जो है जिंदगी को भी अपने हाथ में रखे हुए हैं, उसके मरने के बाद भी वो ये समझते हैं कि हमारे बगैर तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। तो इंसान अगर इन लोगों से इस मजहबी पेशवाइयत से बेनियाज होने में कामयाब हो जाए, अगरचे कि ये बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है और इसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन इसके लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। हाँ ये बात है, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। We have to keep in end in mind कि भाई हमें हमारे अल्टीमेटली हमारा गोल वो है कि इंसान इस इन मजहबी पेशवाइयत से आजाद हो जाए, इस इनके शिकंजे से आजाद हो जाए। हाँ, और अगर रहना चाहता है शिकंजे में तो रहे, as long as मर्जी है। हाँ, इस स्टेट लेवल पर वो ना हो, जैसे कि यूरोप आजाद हो गया, इंडिया भी किसी हद आजाद हो है था, लेकिन अब लग रहा है मुझे कि ये फिर उस शिकंजे में जा रहा है, और पाकिस्तान तो शिकंजे में पहले दिन से फंस गया वो जब से निकाला है। तो खैर बहरहाल, तो ये सब तो हम देख ही रहे, लेकिन ये जो है ना ये बड़ा पॉइंट। लेकिन अभी मुझे गालिब का एक शेर याद आ गया कि यानी कि गालिब की कैसे यार सोचता था वो शख्स कि भाई, तो उनका एक शेर है कि मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद,
यानी मुनहसिर, मरने पे हो जिसकी उम्मीद, मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। वाह, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए, यानी कि मरने के बाद आपको जन्नत मिलेगी और हूरें मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ तो कुछ नहीं मिलना आपको, इनके बस में है ही नहीं, ये तो है मोहताज। और आप कह रहे हैं कि मरने पे उम्मीद दिला रहे हैं आपको। जी यार, गालिब का कमाल है ना शायरी का। नहीं, मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए, चाहिए छू जितना चाहिए, ये अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। बड़ी मशहूर गजल है उनकी, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। जी मुनहसर, मरने पे हो जिसकी उम्मीद, इसको समझना पड़ेगा ना थोड़ी देर लगाकर। असल में जैसे हर मजहब जो है यही इसका जो है सब कुछ दायरे का रहा है कि वो मौत को लेकर अपनी सौदागरी करता है। बिल्कुल बिल्कुल, अपना माल अपना चूरन मौत के नाम पर बेचता है वो हमेशा, क्योंकि कोई मजहब इंसान को जिंदगी में कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं। लेता बहुत कुछ है लेकिन देता कुछ भी नहीं, और देने के वादे सारे मौत के बाद के हैं। हर मजहब का यही जो है कंटा है, यही कंटा हर मजहब का है। अब इसमें कोई कोई जरा ज्यादा जो है इसको लेकर आगे बढ़ गया, कोई जरा कम है, लेकिन है ओवरऑल सब मजहब का यही जो है चूरन, यही यानी सबका सबकी दुकान इसी से मौत को लेकर जो है उसके उसका सारा साधो सामान, यानी मजहब की दुकान में ये बस यही एक जो है चूरन है जो जो अलग अलग नामों से बेचा जाता है, और उस सब का ताल्लुक किससे है, मौत से है, मौत के बाद। देखिए पंजाब के इतने मशहूर शायर हैं भुले शाह, बहुत बड़ा शायर, इसने कहा था ना कि मैं कौन, ना मैं फिरौन ना मैं फलां, है ना, तो ना मैं फिरौन ना, तो उस पर उसकी वजह से मुल्ला ने नाराज हो गया कि उन्होंने जब वो भुले शाह का इंतकाल हुआ तो उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया उनकी। ये तो कह रहा है ना मैं फिरौन ना मैं मूसा, तो ये हीज मतलब हीज लाइक क्या कहेंगे उसको आप, अपोस्टेट। हाँ जाहिर बात है, असल में बात यही है ना हमारे एंग्री लूजर साहब, जो शख्स भी हकीकत नफ्सुल अमरी से वाकिफ हो जाता है, उसको जब पता चल जाता है तो वो अपने अमल से भी और अपने कौल से भी वो इस बात का कायल हो जाता है कि हाँ भाई वो, क्योंकि वो उसकी रियलिटी को जो है पा चुका है। तो अब होता यह है कि रियलिटी समझ जाने के बाद में कुछ लोग बड़े लालची होते हैं दुनिया को लेकर, तो वो अभी इसी तरह से लेके चलते हैं, कुछ लोग इन सब बातों से बेनियाज होकर आगे निकल जाते हैं। तो बहरहाल वही है, पता नहीं भुले शाह की नमाज पढ़ाई गई या नहीं पढ़ाई गई, नमाज जनाजा वैसे दफन किया गया। असल में देखिए पढ़ाई गई या ना पढ़ाई गई, भुले शाह को इस बात का अंदाजा था कि नमाज की कोई हकीकत नहीं है, वो जान चुके थे, बात खत्म हो गई, उनको इससे कोई परवाह नहीं है ना भाई। वो इस बात से बिल्कुल बेनियाज हैं कि उनकी नमाज पढ़ाई जाए या ना जाए, वो जान चुके थे कि नमाज की हकीकत क्या है, बस खत्म। इंसान का ये जान जाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये थ्रेट देते हैं कि भाई आपको जलाया जाएगा या आपको दफनाया जाएगा, असल में ये बात समझते नहीं है कि भाई बात यह है कि हिंदुस्तान में लोग इसलिए जलाते हैं कि लकड़ी वाफर मकदार में मौजूद है तो आप जला सकते हैं, ये आप अफोर्ड कर सकते हैं ये याची। लेकिन अरब में जहाँ रेगिस्तान है वहां तो दरख्त है ही नहीं, नहीं है। या साइबेरिया में कोई मर गया तो वहां पर क्या करेंगे आप सिवाय, और एक बात ये है, अच्छा यहाँ पर दो बातें हैं, साइबेरिया में अगर कोई मर जाए उसको ना जलाया जाए ना जो है गाड़ा जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अरब के जैसे इलाके में वहां अगर ना गाड़ा जाए तो ताखुन बदबू उठती है। हाँ तो मजबूरी है उनकी। अच्छा, मजबूरी है भाई, और दरख्त भी नहीं है कि आप काट, और दरख्त भी नहीं है कि आप काट कर को जलाएं। हाँ, ये अफोर्ड नहीं कर सकते आप, तो ये अजीब अजीब बात है। ये हर इलाके से देखें कि इंसान के मजाहिब भी अपने इलाके से जो है ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जो सोचे हैं उनके जो अकायद हैं उनकी जो मान्यताएं हैं उन सब का ताल्लुक भी, वो इंसान जिस जगह रहता है जिन हालात में रहता है जिन मसाइल से उसका जो है उसका सामना होता है, इन्हीं को लेकर हर मजहब जो है अपनी बात रखता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर जो है इस्लाम मान लीजिए साइबेरिया में जो है अगर उसका वजूद होता या वहां पर उसका आगाज होता तो जन्नत में बजाय आग के वहां पर बर्फ होती। जी बिल्कुल सही बात है, और वो ज्यादा तकलीफ दे है। आप यूट्यूब पे देख लीजिए लोग किस तरह जिंदा रहते हैं -550 डिग्री में, तो आप कांप जाएंगे भाई।
भाई देखें कि वैसी जगह पर रहने वालों के लिए भाई बर्फ तो वैसे उनके लिए है, उनके लिए एक मुसीबत है ना, उनको आग मिल जाए तो ये उनके लिए नेमत है, नेमत है जी। अब जाहिर बात है ऐसे जगह से उसका ताल्लुक है, वहां पर जो है लोगों को आग से डराया गया, ठीक है डराया जाएगा ना, क्योंकि वो आग के अलावा कि किसी नहर को देखे भाई, जिन लोगों ने कुरान को लिखा उन्होंने कभी नहर को देखा नहीं, उनके लिए नहर जो है बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए कुरान में जहां जहां भी यानी मोस्टली जहां जहां भी कुरान में जन्नत का जिक्र आया है उसके साथ ये लफ्ज जरूर आता है तजरी मिन तहतिहल अनहार, यानी जन्नत कौन सी जिसके नीचे से नहर बह रही है। हर जगह जहां जहां भी जन्नत का जिक्र आया मोस्टली ज्यादातर जगहों पर वो जो है जन्नत को इसी तरह से डिस्क्राइब कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसके नजदीक जिसने कुरान को लिखा उसके लिए नहर एक बहुत बड़ी नेमत है और आग एक बहुत बड़ी जो है एक आफत है कि आग से इंसान को जलाया जाएगा। सोचे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुरान की हकीकत, इस्लाम की हकीकत, इस्लाम की अकायद की हकीकत, ये आप जब इन बातों को समझ जाते हैं, इंसान जब इस मकाम पे आ जाता है वो इन बातों को जब समझ जाएगा तो हर चीज उसको खुल के रह जाएगी, बस खत्म हो गई। अच्छा ये जो लोग आते हैं ना आपकी इस पर स्ट्रीम पर और मतलब ये बहुत ही बेवकूफी की बातें भी करते हैं और बुरा भला कहते हैं, ये लोग वो लोग नहीं है लगते है कि जो वाकई पांच वक्त की नमाज पढ़ते होंगे पाबंदगी से या कुरान पढ़ते होंगे, ये वो लोग नहीं है? मेरा देखिए असल में नमाज पढ़ने जो है कुरान पढ़ने वालों के पास इतना फालतू टाइम होता कहाँ भाई, वो उनके सारा टाइम तो उसमें जाता है नमाज करते रहो, लेकिन आंखों में अकीदा इनका ऐसा है कि ये बस बुरा मान जाते हैं। लेकिन एक और बात भी है कि इनकी ये बात समझ में नहीं आती कि इस्लाम एक आइडियोलॉजी है उस पर क्रिटिसिज्म हो सकता है और मुसलमान लोग हैं उन पर नहीं कोई बात हो सकती, जैसे हिंदुइज्म है उस पर बात हो सकती है लेकिन हिंदुओं पर कोई बात नहीं कर सकते आप, वो गलत है, है ना, तो आइडियोलॉजी पर तो बात हो सकती है, ये लोग फर्क ही नहीं समझते इस्लाम में और मुसलमान में। हालांकि हम जो है हमारा असल जो कहना मुसलमानों पर नहीं होता, मुसलमान हमारा असल सब्जेक्ट नहीं है और होना चाहिए भी नहीं। अगर भाई कम्युनिटी, हर कम्युनिटी दुनिया के हर कम्युनिटी में जो है बहुत सी खामियां हैं, उनमें सुधार होना चाहिए, इससे तो मैं भी जो है इससे इनकार नहीं कर सकता हर कम्युनिटी में, क्योंकि वक्त के साथ साथ उसमें बुराइयां उसमें खामियां उसमें जो है ये सब चीजें आ जाती हैं, लेकिन जाहिर बात है हर कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है बराह रास्त वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी कम्युनिटी में जो है सुधार पैदा करे। जाहिर बात है मेरा ताल्लुक मुसलमान कम्युनिटी से है तो मैं उसके लिए उठ खड़ा हुआ हूँ, जाहिर बात है मेरा सब्जेक्ट मुसलमान नहीं बल्कि इस्लाम है, मैं ये जानता हूं कि मुसलमान वैसे भी विक्टिम है और इसका असल सबब जो है इस्लाम है, तो मैं इस्लाम पर बात करता हूं मुसलमानों पे बात नहीं करता। और देखिए मुसलमान तो हर जगह फैले हुए, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में हैं, यूरोप में हैं, और डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े जो काम अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं, अब वो ठीक है लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें हैं उस आइडियोलॉजी के अंदर उस पर बात होनी चाहिए, तो उसमें लोगों को परेशानी पता नहीं क्यों शुरू हो जाती, मेरी समझ बात नहीं आती बस।